गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो दोस्तों पहले हम आए थे खरड़ से ऋषिकेश। बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत मुश्किल, बहुत देर बाद जाके कमरा मिला। और अब चले हैं हम, फ्लाइट वगैरह हो गए थे, तो अभी चले हैं हम परमार्थ निकेतन। तो वहाँ पे हम स्नान करेंगे, आरती करेंगे, देखेंगे वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं परमार्थ निकेतन की आरती। और आई बटन में लिंक है, और पिछला ब्लॉग, पिछले सीरीज का ब्लॉग मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट करना। और मुझको मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दिया, उसके ऊपर फॉलो कर लेना। और अभी चलते हैं परमार्थ निकेतन। कहाँ जा रहे हो? ऋषिकेश में तो हो भाई, ऋषिकेश में तो हो। किसे जा रहे हैं? परमार्थ निकेतन। पहले आप देखा ना क्या बोल रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? ओके दोस्तों, चलते हैं परमार्थ निकेतन। बाकी करते आगे जाके बात है आपसे। राफ्टिंग तो पूछिए भाई, राफ्टिंग के लिए है नहीं भाई राफ्टिंग। यहाँ तो है नहीं राफ्टिंग। आगे देखते हैं। तो एक तकरीबन हम आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर से ज़्यादा आ गए। अभी एक किलोमीटर और पड़ा है परमार्थ निकेतन, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। और मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और भाई मिट्टी देख दो कितनी उड़ रही है। तो चलते हैं, अभी आपको मिलेंगे परमार्थ निकेतन। तो बताओ दीक्षा सर, आपने क्या खाना है? गोला है स्कंज में। पीना क्या है आपने? सोनल गंजवी या गोला? डिहाइड्रेशन से हम लोग बच जाएंगे ना। नींबू पानी? हम लोग डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे ना। ओ, तो हम लोग घूम रहे हैं। ओ, गोला। मैं भी खाऊंगी गोला। तो कितने हो गए ये तो बता दो। खट्टा गोला। वो कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके? आप बाद में यहाँ पे आना चाहोगे दोबारा कभी? गर्मी बहुत है और दूसरा रश इतना ज्यादा है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बंदे की। अच्छा, जाम इतना लंबा। यार मैं सुकंजमी पीनी है। सुकंजमी कह दो फिर एक मेरे। बोला आ चुका। कलरफुल। अरे चलिए आ जाओ। अच्छा एक ग्लास है। हेलो गौ माता।
रिलैक्स करते हुए। कोई बढ़िया चीज है, बड़ी जबरदस्त। हाँ यार कोई पागल बोलेगा। देखिए मेरे बालों में भी खड़े हो। मेरे भी करे, मेरा भी करे। तो दोस्तों 1.5 किलोमीटर चल गए, पहुंच गए परमार्थ निकेतन। अभी यहाँ पे तैयारी चलेगी। तो दोस्तों फाइनली हम परमार्थ निकेतन की जो जगह है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी यहाँ पे गेट लगा हुआ है सारा। यहाँ पे वो लगा हुआ है गेट, और तकरीबन 15 मिनट के बाद ये खुल जाएगा। तो फिर आरती के लिए बैठेंगे सामने, भोलेनाथ और गंगा माँ की आरती होगी। ये जो बाबा जी है ना, ये वाले बाबा जी हैं, तो ये करेंगे आरती। हम अंदर आ गए, तो अभी ना ये सारा खाली पड़ा है यहाँ पे, तो यहीं पे रुकेंगे अब जब तक आरती स्टार्ट होगी, और आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। मैं भी करवाऊंगी। तो गाइस फाइनली ये है भोलेनाथ की मूर्ति। हर हर महादेव, महादेव की आरती जो है जो शुरू हो चुकी है। अभी भीड़ खचाखच भर चुकी है यहाँ पे। Shedding your heart.
आरती का पूरा आनंद लिया और अभी परमार्थ निकेतन में बैठे हैं गंगा जी के किनारे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।